ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर गठित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के आपदा प्रबंधन ग्रुप की बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए अनलॉक 2 में लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने तथा मास्क वितरित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाएं। इसके अलावा यातायात चौराहों, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के वाहनों तथा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के प्रचार वाहनों से भी प्रचार प्रसार करवाएं। मुख्यमंत्री ने बैठक में पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए कि मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर सख्ती बरतें तथा मौके पर ही चालान काटकर उन्हें कम से कम 5-5 मास्क वितरित करें। श्रावण माह की शिवरात्रि को देखते हुए बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मंदिरों में गंगा जल चढ़ाने की अनुमति केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंदिरों में पूजा करने के लिए पहले से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रदान किए जाएं। 2 से 5 व्यक्तियों के समूह को आधा आधा घंटे के अंतराल पर टोकन सिस्टम से मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दी जाए। लॉकडाउन के बाद वर्तमान में पूरे देश में कर्फ्यू की अवधि रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक है। श्रावण शिवरात्रि की पूजा का समय 19 जुलाई 2020 शाम 7:19 से शुरू होकर 20 जुलाई 2020 प्रातः 5:30 बजे तक है। इसी के अनुसार लोगों को मंदिरों में जाने की अनुमति भी दी जाए। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त विभाग सचिव श्री राजीव अरोड़ा ने हरियाणा भवन नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि राज्य में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 5,594 तथा 20 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। इसके अलावा प्रतिदिन टेस्टिंग रेट भी बढ़ाया गया है। मोबाइल टेस्टिंग की सुविधा भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मरीजों को क्वारंटाइन के बाद या पॉजिटिव के बाद ठीक होने के उपरांत पुनः दोबारा टेस्टिंग के लिए आना होता है तो उनको घर से ले जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाए। नए वेंटिलेटर्स को राज्य के मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में वितरित किया जाए। इसके अलावा पंचकुला, रोहतक, गुरुग्राम में प्लाज्मा बैंक भी खोले जा रहे हैं। लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। इसी प्रकार आयुष विभाग द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किट्स भी बांटी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक रोग प्रतिरोधक आयुष किट बांटी जानी चाहिए। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री कोरोना राहत फंड से अतिरिक्त राशि दी जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा से ब्यूरो की रिपोर्ट।